अनुपमा में आप देखेंगे कि पाकी के गलत में भी उसके पापा फिर एक बार उसे सपोर्ट करेंगे। अनुपमा के फैसलों को फिर एक बार गलत मान रही पाकी शाह हाउस पहुंच जाएगी और वनराज से कहेगी कि कपाड़िया मैंशन में उसका दम घुटने लगा है। वह अपनी माँ की जमकर बुराई करेगी और फिर एक बार शाह हाउस में शिफ्ट होने का डिसीजन लेगी। दूसरी ओर मालती देवी छोटी अनु के दिमाग में लगातार ये बात डाल रही है कि उसके पेरेंट्स उसका भला नहीं चाहते और हर समय उसी की ही गलती बताने की कोशिश करते हैं। मालती देवी ने एक नहीं बल्कि अनुपमा से उसकी दोनों बेटियों को दूर कर दिया है। चलिए आपको सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में बताते हैं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को शुरू हुए 15 साल हो गए हैं। राजन शाही के इस सीरियल ने कई टीवी एक्टर्स को स्टार भी बनाया है। कुछ समय पहले ही मेकर्स ने अक्षरा और अभिमन्यु के ट्रैक को खत्म करते हुए 15 साल का जनरेशन लीप लिया है जो शो के लिए अच्छा नहीं रहा। शो की धीरे धीरे टीआरपी गिर रही है। ऐसे में अब खबर है कि सीरियल को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। ऐसी कई खबरें पहले भी आ चुकी हैं। पिछले हफ्ते टीआरपी की रिपोर्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है टॉप 10 से बाहर था, जिसके बाद ही चैनल ने सीरियल के मेकर्स को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में मेकर्स को टीआरपी उठाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है, यानी इस सीरियल की टीआरपी नहीं बढ़ती है तो शो साल 2024 की शुरुआत के साथ ही ऑफ एयर हो सकता है। शो में एक तरफ अरमान और अबीरा की शादी हो चुकी है तो दूसरी तरफ रूही और रोहित की। हालांकि अरमान और रूही एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में रोहित को जल्द ही पता चल जाएगा। इस वजह से रोहित शो में नया विलन बनेगा जो रूही से इस धोखे का बदला लेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि अरमान को रूही कैसे बचाता है। अब आपके इस पर क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और एंटरटेनमेंट से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ENT लाइव पर।